हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शनिवार देर रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। शादी की एक कार नदी में गिर गई। इस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा राजस्थान के कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित चंबल में हुआ है। छोटी पुलिया पर देर रात शादी के लिए जा रही एक कार नदी में गिर गई। इसमें दूल्हे सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी मिली है कि ये बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जा रही थी। जो कार नदी में डूबी उसमें दूल्हे सहित 9 लोग सवार थे। 9 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू टीम की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। हादसे की खबर मिलते ही आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। कोटा के एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि बारात उज्जैन जा रही थी, बस आगे निकल गई। ये गाड़ी रास्ता भटककर छोटे पुल पर आ गई और नियंत्रण से बाहर होकर नदी में गिर गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खबर मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मालूम हो कि स्पीड ब्रेकर के कारण बेकाबू हुई कार करीब 15 फीट नीचे चंबल नदी में जा गिरी थी। मृतकों में दूल्हा और उसके परिजन के अलावा ड्राइवर भी शामिल है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।